अपहरण कर हत्या के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों को बेगूसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महज चंद पैसों की खातिर एक व्यक्ति को अपहरित कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, फिर लाश को मुंगेर पुल के समीप गंगा नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन अब यह पूरा मामला जिले के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने खोल दिया है। दरअसल साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र निवासी सुलेन महतो का अपहरण 4 अक्टूबर 2021 को कर लिया गया था। इस मामले में दो अपराधियों की गिरफ्तारी पहले हुई थी। अब इस अपहरण और हत्याकांड में कुख्यात अपराधी गुलाब यादव और नकुल यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुलेन महतो गांजा बेचने का काम करता था और उसका विवाद ब्रजेश सिंह नामक शख्स से पैसे को लेकर चल रहा था। इसी बकाया राशि के लिए ब्रजेश सिंह ने उसका अपहरण किया और साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार अपराधी गुलाब यादव पर हत्या, लूट और रंगदारी के 18 मामले जबकि नकुल यादव पर 8 मामले दर्ज हैं। 4 अक्टूबर के आसपास साहपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सुलेन महतो के गायब हो जाने की अपहरण के लिए हत्या की एक FIR दर्ज कराई गई थी। इसमें अनुसंधान तभी स्टार्ट कर दिया गया था। इसमें दो दिलखुश और दीपक की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसमें अन्य अभियुक्त बाकी थे। उनको लेकर के एक टीम का गठन किया गया था STPO बलिया के नेतृत्व में। यह टीम काफ़ी दिनों से अपना काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। इस घटना में दो और कुख्यात अपराधी भी शामिल थे। इनके बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग और टेक्निकल सेल ब्रांच के थ्रू जो सबूत मिले थे उसके आधार पर कल रात को छापेमारी की गई और इसके आधार पर दो अपराधी गुलाब यादव और नकुल यादव की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि गुलाब यादव पर 17 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं जो कि हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले हैं, और दूसरा अपराधी नकुल यादव पर भी 8 मामले, जघन्य मामले दर्ज हैं। पूछताछ में ये बात आई है कि सुलेन महतो एक गांजा व्यापारी था और उस पैसों को लेकर के इसका विवाद था ब्रजेश सिंह से। ब्रजेश सिंह ने अपना पैसा इससे निकलवाने की कोशिश की लेकिन ये पैसा दिया नहीं। इसी के चलते ब्रजेश सिंह ने अपने बाकी साथियों को मिलवा के बुला के इसकी हत्या की और मुंगेर पुल घाट के पास में लाश को ठिकाने लगा दिया। तो दो लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और दो बड़े कुख्यात अपराधी जो उस एरिया में बाकी थे उनकी भी आज गिरफ्तारी हो गई है। तो मुझे खुशी है कि इस बड़े गैंग के पकड़े जाने से उस क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा अपराध नियंत्रण के लिए मैंने सभी थानों को आदेश दिया है कि एक लिस्ट बना लें जितने भी लोग फरार हैं हत्या, लूट, डकैती के केसेस में, और सभी को अपने रडार पे रखें और डेली टेस्ट ड्राइव चलाएं और जल्दी से सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। गुलाब यादव और नकुल यादव की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि ये दोनों अपराधी इलाके में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। रिपब्लिकन न्यूज बेगूसराय। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।